आम आदमी पार्टी ने दुर्ग स्टेशन रोड पर बने डिवाइडर को हटाने अपनी आवाज बुलंद की, पैदल रैली निकाला और जिलाधीश कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। दुर्ग शहर के स्टेशन रोड में बने डिवाइडर को हटाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी दुर्ग लोकसभा अध्यक्ष डॉक्टर एस के अग्रवाल, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष आरटीआई विंग मेहरबान सिंह के नेतृत्व में पैदल रैली निकालकर आक्रोश जताया गया। इस मौके पर पदयात्रा रैली में डिवाइडर हटाने की मांग की गई, साथ ही डिवाइडर हटाओ व्यापार बचाओ का नारा लगाया गया। आम आदमी पार्टी के डॉक्टर एस के अग्रवाल ने कहा कि वर्ष 2018 में ये डिवाइडर बना था। चुनाव के समय दुर्ग शहर विधायक ने वादा किया था कि सरकार में आते ही, चुनाव जीतते ही वह स्वयं इस डिवाइडर को हटा देंगे, लेकिन उन्होंने अपने वायदे पर आज तक कोई अमल नहीं किया। इसी कड़ी में पार्टी के मेहरबान सिंह ने कहा कि सूचना के अधिकार के तहत जानकारी के अनुसार वर्ष 2018 में भाजपा की सरकार में डिवाइडर बना। तत्कालीन जिलाधीश तथा पुलिस अधीक्षक की मौखिक आदेश पर ये डिवाइडर बनाया गया। डिवाइडर को बनाने के लिए 50 लाख रुपए की राशि डीए फंड से ली गई थी। इसके अलावा रोचक तथ्य ये है कि बिना किसी टेंडर के इस डिवाइडर को बनाने का ठेका बिल्डर को दे दिया गया। 2018 चुनाव के पहले हमारे CSP थे पटेल साहब, उन्होंने आनंद फानंद में यहाँ पर दुर्ग शहर की जो पतली सड़क है वहाँ पर भी डिवाइडर लगा दिया। डिवाइडर बिना किसी टेंडर के 50 लाख रुपए का डीएमए फंड से रिलीज किया गया। मौखिक आदेश था, कोई लिखित आदेश नहीं था। इस प्रकार से जो अनियमित कार्य, जो अनैतिक कार्य का काम हुआ है दुर्ग शहर में, जिसके कारण से दुर्ग शहर का व्यापार नष्ट हो गया है। यहाँ पे छोटी सकड़ी सड़क है जहाँ कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, उसके कारण पूरे व्यापारी त्रस्त है। इतना मार्केट से लेकर श्री शिवम मॉल तक हमारी मांग है, और अरुण वोरा ने कहा था कि जैसा मैं हमारी सरकार आएगी मैं अगले दिन इस डिवाइडर को तोड़ूंगा। उन्होंने 5 साल हो गया अभी तक उन्होंने कोई पहल नहीं की है। हमारी मांग है कि इस डिवाइडर को तुरंत तोड़ा जाए, और जो 50 लाख रुपए खर्च हुआ था उसमें अधिकारियों ने जो कि मौखिक आदेश दिया था उनसे वसूल किया जाए, ये हमारी मांग है। डिवाइडर को लेकर राजनीति गरमा रही है, देखना होगा किस तरह का निर्णय लिया जाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।